नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इलेवन और मैं हूँ आपके साथ शिवानी। पटना में पूर्व केंद्रीय मंत्री मुनीलाल के निधन पर उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने शोक संवेदना व्यक्त की। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि वे एक योग अनुभवी राजनेता के साथ साथ एक योग प्रसारक भी थे। आपको बता दें कि पूर्व सांसद का पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए बीजेपी कार्यालय लाया गया था, जहाँ बीजेपी के नेताओं ने उनके पार्थिव शरीर पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। सभा के सदस्य निर्वाचित हुए, अटल जी की सरकार में राज्य मंत्री थे, उनका जाना केवल बीजेपी के लिए नहीं पूरे बिहार के लिए बहुत बड़ी क्षति है और पूरा बीजेपी परिवार, पूरे बिहार के लोग दुखी हैं और हम सब लोगों की विनम्र श्रद्धांजलि है और ईश्वर से यही कामना करते कि उनके परिवार को इस सदमे को बर्दाश्त करने की। पटना में किसानों के लिए मधुमक्खी पालन विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बता दें कि उद्घाटन कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने किया। वहीं इस मौके पर कृषि मंत्री ने कहा कि राज्य में मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार द्वारा किसान हितार्थ समूह और खाद्य सुरक्षा समूह का गठन किया गया है। साथ ही इस मौके पर विभिन्न जिलों से काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, यहाँ की 76% आबादी की जीविका कृषि पर आधारित है। ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों की आय में वृद्धि के लिए खेती के साथ साथ कृषि संबंधित अन्य उद्यमों जैसे मधुमक्खी पालन, मशरूम उत्पादन आदि को अपनाना आवश्यक है। आज बामेती के सभागार में कृषि विभाग के द्वारा मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इससे जहाँ एक और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे, वह दूसरी ओर ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी। राज्य में कृषि संबंधित इन सहायक उद्यमों जैसे मधुमक्खी पालन, मशरूम उत्पादन। गया में पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने झारखंड चुनाव के रुझान महागठबंधन की ओर आने पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि केंद्र में भले ही झांसे में आकर भाजपा की सरकार बन गई हो, पर राज्य में भाजपा की सरकार नहीं बन पाएगी। नहीं आया है, लेकिन एक्सपेक्टेड है वहाँ पर महागठबंधन की सरकार बनेगी हेमंत सोरेन के नेतृत्व में। और इसके लिए हम लोगों पहले से अनुमान लगा लिया था कि लोकसभा के चुनाव में बहुत देखकर कि किस प्रकार से केंद्र में सरकार को बना लिया, राज्यों में वो बात नहीं चलेगी, चाहे महाराष्ट्र के मामला हो या में मामला हो, उसी में झारखंड का भी हम लोग आशा कर रहे थे। और हम समझते हैं कि भी एवं महागठबंधन के लोग जीत जाएंगे और उनकी सरकार बनेगी। आप लोगों के माध्यम से उनको बहुत शुभकामना देते हैं और भाजपा के लोगों को हम संदेश देना चाहते हैं कि झांसेबाजी का काम नहीं कीजिए, अनएम्प्लॉयमेंट, भ्रष्टाचार और महंगाई के बारे में सोच करके देश को आगे ले चलिए तो शायद कुछ अच्छा हो। पटना में बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर से राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोला। गिरिराज सिंह ने एक वीडियो पर ट्वीट कर लिखा कि राहुल गांधी, आपको बता दें कि उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि इनकी पीड़ा कौन सुनेगा। कहते थे भाई हम तो हिंदू है, हम अपना धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते, तो उन्होंने वो बोलते थे आप धंधा बंद करो, आप कहीं भी जाओ, क्योंकि आपको मुसलमान बनना एक और जरूरी है। और प्रॉब्लम ये थी कि जब हम 2008 के अंदर आए थे पाकिस्तान से हैदराबाद और 19 तारीख पांचवा महीने में मकानों को 300। झारखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिली हार के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि हम जनादेश का सम्मान करते हैं और पार्टी हार की जल्द समीक्षा करेगी, जो खामियां होगी उसको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। कार्य झारखंड में हुए थे, जिस किसी भी कारण से जिसकी भी यह जो पराजय हुई है उसकी हम लोग समीक्षा करेंगे। और जो कभी कभी भ्रामक प्रचार की भी जीत हो जाती है, अभी जिस तरह से नागरिकता संशोधन कानून पर किसी तरह के भारत के नागरिकों से कोई संबंध नहीं है, उसके बावजूद भी कांग्रेस के भ्रामक प्रचार में फंस के बहुत सारे लोग सड़क पर उतर रहे हैं और उसी तरह के भ्रामक प्रचार से ही इस तरह का परिणाम आया, जिसकी हम समीक्षा करके निश्चित तौर पर ट्वीट करेंगे। किशोर ने एक ट्वीट किया है जिसमें ये कहा गया है कि राहुल गांधी उसकी बात मेरे प्रवक्ता से कीजिए। सर, एक सवाल।
पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए रालोसपा के उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी के खिलाफ देश बचाओ जागरूकता यात्रा निकाली। आपको बता दें कि सीएए और एनआरसी को लेकर यात्रा 26 दिसंबर को मोतिहारी से बेतिया तक जाएगी, वहीं 28 दिसंबर को सहरसा से पूर्णिया तक और 30 दिसंबर को नवादा से औरंगाबाद तक ये यात्रा जाएगी। कुछ लोग उनको बरगला देते हैं इधर या उधर, लोग खुद जाने और तब उनका वो अपना पक्ष रखे। तो जाने जानना जरूरी है, क्योंकि हिंदुस्तान के हर एक व्यक्ति से इसका संबंध है। हर आदमी तक जानकारी चाहिए, एक दूसरा की कुछ लोग गलत जो जानकारी दे रहे हैं, तो गलत जानकारी देने वाले लोगों की जो मंशा है उस मंशा से उनको भी उसमें कामयाब नहीं होने देना है, तभी देश बचेगा। तो इसलिए हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं और इसलिए हमने कहा कि समझो समझाओ देश बचाओ। लोग समझेंगे तभी देश बचेगा, वरना लोग बरगला करके और कुछ भी लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस कोशिश में लोग नाकाम होंगे तब जब सभी चीज की जानकारी लोगों तक हम पहुंचाएंगे। का सच क्या? पटना में जनाधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव का 52वां जन्मदिन उनके तमाम पार्टी कार्यकर्ताओं के द्वारा मनाया गया। वहीं जन्मदिन के मौके पर गरीबों के बीच कंबल का भी वितरण किया गया और पार्टी के नेता प्रेम चंदन प्रसाद ने कहा कि हम सभी के लिए गर्व की बात है कि गरीबों के मसीहा के रूप में एक नेता को पा सके। कमल दादा, वैसे आज पूरा देश उनके जन्मदिन को मना रहा है। पार्टी की छात्र इकाई के द्वारा भी पटना विश्वविद्यालय में आज हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है, पूरे जिले में, पूरे देश, दिल्ली में। आज हम इस पटना में पार्टी की ओर से हमारे नेता प्रदेश राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अजय कुमार बुलानी जी के नेतृत्व में आज गरीबों के बीच जिस तरह से ठंड की मौसम है कमल का वितरण किया जा रहा है। ये हम बताते चलें कि हमारे नेता एक संघर्ष और एक सेवक के रूप में जाने जाते हैं। गया में दलाई लामा के आगमन को लेकर बोधगया मंदिर के आसपास के पूरे क्षेत्र को सील कर दिया गया है। इस दौरान बोधगया की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है, वहीं जगह जगह पर चेकिंग अभियान भी चलाए जा रहे हैं। और उसके आसपास जो भी इनका कार्यक्रम सब है, सभी के लिए प्रॉपर डिप्लॉयमेंट पॉइंट टू पॉइंट आर्मी फोर्स सभी की तैनाती की गई है। इसके साथ विभिन्न एजेंसी भी यहाँ पर लगे हुए हैं और हमने सुरक्षा के लिए समुचित यहाँ पर कदम उठाए गए हैं और इसके साथ ये भी सुनिश्चित किया है कि जो श्रद्धालुगण हैं उनको भी किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, उसका भी इसका ख्याल रखा गया है। इसके अलावा ट्रैफिक प्लान्स भी यहाँ पर हमने पुख्ता तैयार करके सभी पदाधिकारी को अवगत करा दिया गया है किस प्रकार से ट्रैफिक जाम रहेगा और किस प्रकार से जो बाहर से आने वाले श्रद्धालु उनकी गाड़ी कहाँ कहाँ जाएंगी और साथ ही महापावन की पूरे कार्यक्रम में। पटना सिटी में गुरु गोविंद सिंह के 353वें प्रकाश पर्व को लेकर पटना जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। इसको लेकर पटना के SSP गरिमा मलिक ने बताया कि गुरु पर्व को लेकर 2 अस्थायी थाना और 15 हेल्प डेस्क और कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। लोग लगभग एक माह से पूरा जो है जायजा ले रहे हैं और ऑलमोस्ट पूर्णतः हम लोग जो है तैयारी अब कर चुके हैं, उसको सरजमीन पर उतारने के लिए हम लोग अब तैयार हैं। विभिन्न जो है स्थलों को आइडेंटिफाई करके वहां पर पूर्णतः जायजा लेकर के ऑन ग्राउंड किस प्रकार की वहां पर प्रतिनियुक्ति की जरूरत है उसका आकलन कर लिया गया है हम लोगों के द्वारा। अस्थायी थानों का निर्माण होगा, कंट्रोल रूम्स, हेल्प डेस्क, इनकी व्यवस्था होगी। स्थाई प्रतिनियुक्तियों के साथ साथ हम लोग QRTs का, दो पहिया वाहन से गश्ती का, चार पहिया वाहन से गश्ती का, इन सब का व्यवस्था कर रहे हैं। CCTVs लगभग एडिशनल हम लोग 200 की संख्या में दे रहे हैं, जिनके अलग अलग कंट्रोल रूम्स रहेंगे और जो 24 घंटा मॉनिटरिंग में हमेशा रहेंगे। हमारी QRT टीम्स जो हैं वो 24 घंटा एक्टिवेटेड रहेंगी, जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं, जो भी यात्री आ रहे हैं उनकी सहायता के लिए। और सारा का सारा पुलिस बल जो है उसको हम लोगों ने एक तो जो सुरक्षा व्यवस्था है, विधि व्यवस्था है, उसके दृष्टिकोण से और साथ में जो आने वाले श्रद्धालु हैं उनके साथ जो है पुलिस का अच्छे से अच्छा सहयोगात्मक व्यवहार रहे। बड़े बूढ़े बच्चे आएंगे उनके साथ अच्छा व्यवहार रहे, सभी बिंदुओं पर सेंसिटाइज किया गया है। हम लोग
पटना सिटी में पुलिस ने अनुमंडल के विभिन्न थाना क्षेत्र से अपराधियों के गिरोह का पर्दाफाश किया है। एसएसपी गरिमा मलिक ने जानकारी देते हुए कहा कि राजधानी पटना में जिस तरह से अपराध बढ़ रहे हैं, वहीं पुलिस ने इसे एक चुनौती समझकर सिटी एसपी के नेतृत्व में एक टीम का गठन कर अपराधियों को पकड़ा। एसपी साहब का जो है बहुत बड़ा अचीवमेंट है। से मुखातिब हैं आज, एक है जिला पुलिस को सूचना मिली कि कुछ आपराधिक षड्यंत्र के तहत एक कंकड़बाग में एक स्थान पर कुछ लोग इकट्ठा हैं और वहां पे कुछ अपराध करने की जो है प्लानिंग चल रही है, जिसमें सिटी एसपी साहब के नेतृत्व में हम लोगों का जो एसआईयू है उसके द्वारा और अन्य थानों के द्वारा कार्रवाई की गई, तो उसमें 9 अपराधकर्मी जो हैं। पटना सिटी के पटना साहिब गुरुद्वारा में बॉलीवुड स्टार चंकी पांडे ने आकर गुरु घर में मत्था टेका, साथ ही गुरुद्वारे में हाजिरी भी लगाई। वहीं चंकी पांडे ने बातचीत में कहा कि पटना में पहली बार उनका आना हुआ है और उन्हें गर्व है कि वो गुरु घर में आकर वहां पर अपनी उपस्थिति को दर्ज करा सके हैं। सुनो, किधर है? कड़ा लेके आ रहा है सर आपका, वो गाड़ी पे कॉफी आ गई। जरा अरे सर सर जरा सर ले आए सर कॉफी प्लीज सर सर मौका मिला इधर आने का और दर्शन हुए हमारे, और बस हम यही चाहेंगे कि सबका भला हो, अच्छा हो, और देश में पहली बार आए पटना साहब, पहली बार और हम बहुत लकी है कि हम यहाँ पहुँचे, और हम सब सबके लिए चाहेंगे कि सब हमारा देश एक वोट मेरे को भी खुश रहे। बोलो इंसान है, पहली बार आप आए, कैसा लगा था आपको? गया में ईसा मसीह के जन्म दिवस और क्रिसमस को लेकर गिरजाघर में जोरदार तैयारियां चल रही हैं। गया के गांधी मैदान स्थित गिरजाघर सजने लगे हैं, वहीं बच्चों में भी क्रिसमस की उत्साह साफ तौर पर देखने को मिल रही है। हम गिरजाघर में सजावट हो रहा है फूल से, बैलून से और लाइट से सजावट बाहर भी हो रहा है, और कल ये सजावट का काम पूरा हो जाएगा और उसके बाद रात भर लाइटिंग जलेगा। 25 तारीख को 9:30 बजे पूजा अर्चना विशेष रूप से होगा ईसा मसीह के जन्म दिवस के अवसर में, और प्रार्थना विशेषकर पूरी दुनिया के लिए शांति के लिए, मेल मिलाप के लिए, अपने देश में देश के लिए और सब। पटना में जाप संरक्षक पप्पू यादव का 52वां जन्मदिन प्रदेश युवा उपाध्यक्ष राजू दानवीर ने मनाया। इस दौरान गरीब बच्चों के बीच में राजू दानवीर ने कॉपी पेन और पेंसिल का वितरण किया, साथ ही उन्होंने कहा कि पप्पू यादव गरीबों के मसीहा हैं और पप्पू यादव हमेशा ही गरीबों की सेवा करते हैं। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि उनके बताए मार्ग पर सभी कार्यकर्ता चल रहे हैं। और समर्पण मानवतावादी सोच रखने वाले बिहार वासियों के दिलों पर राज करने वाले गरीबों के माधव पप्पू यादव जी का आज 52वां जन्म दिवस है। इस मौके पर जो उनका सेवा भाव रहा है उसी को देखते हुए ये बच्चों में जो गरीब बच्चे हैं उनमें कॉपी किताब वितरण किया जा रहा है। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 1:11 और मैं हूं आपके साथ शिवानी। आइए 3 मिनट में आपको बताते हैं बिहार से जुड़ी 10 बड़ी खबरों का हाल। पटना में
में कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने सौर ऊर्जा पर आयोजित सेमिनार का उद्घाटन किया। इस सेमिनार में कृषि में सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने पर बात की गई। वहीं सेमिनार सीईईडी संस्था ने आयोजित किया है। वहीं बिहार सरकार सोलर पंप पर 50% अनुदान भी देगी। ब्रेकिंग वाला आपका स्वागत है। पटना में माध्यमिक शिक्षक कर्मचारी महासंघ के द्वारा एक दिवसीय धरना दिया गया। आपको बता दें कि राज्य सरकार से उन्होंने मांग की है कि अनुमति प्राप्त माध्यमिक विद्यालय के कर्मचारियों के वेतन का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है, उसे जल्द से जल्द स्वीकृत की जाए। वेतन दो, वेतन दो। अनुदान के बदले वेतन दो। जिंदाबाद, जिंदाबाद। यह महाधरना पर इसलिए बैठे हैं कि हम लोग 35 वर्षों से वेतन की मांग कर रहे हैं, अभी तक वेतन नहीं मिला है, तो अनुदान के बदले वेतन और मध्य विद्यालय का उत्क्रमण बंद करके और इन विद्यालयों के शिक्षकों को वेतन देने और उनके जगह पर पंचायतों में इसकी 715 माध्यमिक विद्यालय की मान्यता और विद्यालय का अधिग्रहण को लेकर आज हम लोग यहाँ महाधरना पर बैठे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद चंदन सिंह के नेतृत्व में पटना के पार्टी कार्यालय में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में पार्टी को मजबूत बनाने पर चर्चा की गई। वहीं इस दौरान सदस्यता अभियान को बड़े स्तर पर चलाने की भी बात कही गई। सांसद चंदन सिंह ने कहा कि पार्टी के नेता गांव-गांव जाकर लोगों को पार्टी से जोड़ेंगे। वहीं झारखंड में बीजेपी की हार पर उन्होंने कहा कि बीजेपी की तरफ से कुछ गलतियां हुई होंगी जिसके कारण बीजेपी की हार हुई। जो है हम लोग सारे लोग बैठकर जितने भी यूथ के प्रकोष्ठ के मेन के सब लोग अपना अपना यहाँ पे बैठ के मीटिंग किए हैं और जो है सदस्यता अभियान हम लोग ने आज से चालू किया है और गांव-गांव जाकर हर एक जिला में लोगों को सदस्य बनाना है, लोगों को बताना है अब हमारी पार्टी कैसे काम करेगी, आगे पीछे क्या काम की है, आगे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी के नेतृत्व में आगे कैसे काम करना है लोगों को बताएंगे और जो है सदस्य बनाएंगे और पार्टी को मजबूती देने का काम करेंगे। परिणाम आने के बाद अगर देखा जाए तो बीजेपी जो लाख दवा कर रही थी, एनडीए का दवा था, वो दवा कहीं दिखा नहीं सर। देखिए एनडीए में कुछ आप लोग भी जानते हैं, बीजेपी अलग लड़ी, थोड़ा हम लोग को भी बीजेपी वहाँ तरजीह नहीं दी जिसके कारण हम लोग भी साथ में नहीं लड़े, जिसका भुगतना उनको भी पड़ा, हमको भी पड़ा, जदयू को भी पड़ा, सारी पार्टियों को इसका भुगतना पड़ा है। सासाराम में जिला शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान से जल जीवन हरियाली यात्रा निकाली गई जिसमें जिले से आए कई शिक्षा कर्मियों ने भाग लिया। वहीं शिक्षकों ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा केंद्र शिक्षण सामग्री राशि जिला को 7 महीने पहले ही उपलब्ध करा दिया गया था लेकिन अभी तक राशि वितरण नहीं हो पाई है। योजना से हटाकर जन शिक्षा परियोजना में जोड़ा गया था जो कि उस समय हम लोग का 47 दिन का पैसा अभी तक किसी को भी नहीं मिला है रोहतास जिला में, जबकि ऐसा सूचना प्राप्त हुआ है कि और कुछ जिलों में 47 दिन का पैसा मिल चुका है। उसके बारे में हम लोगों ने मांग भी दिया, आवेदन भी दिया, कुछ कुछ प्रखंडों में अभी तक कुछ लोगों को एक एक दो दो माह का महीना भी बाकी है। रैली निकल रहा है नशा मुक्ति और जीवन हरियाली वाला, उसमें जो लेखन कार्य के लिए राज्य निर्देशित किया है वह अभी हम लोगों के खाते में नहीं गया है, वह अगर मिल जाता है तो इसमें हम लोग बढ़ चढ़ के और हिस्सा लेंगे। और जो हम लोगों का पूर्व में TLM महिलाओं का जो हो चुका परीक्षा उसका बाकी है, जबकि अन्य जिलों में यह भुगतान हो चुका है। साथियों का EPF का जो नंबर है जिसमें पता चल जाए कि 13% हम लोग का मिल रहा है उसको उपलब्ध कराने की कृपा की जाए, तभी जा करके हम इस कार्यक्रम को और बढ़ चढ़ करके हम कामयाब बनाएंगे। और अपने पदाधिकारी महोदय से हम हर वक्त ये गुजारिश करते हैं।
पटना सिटी में एक टेम्पो चालक ने अपनी पत्नी की गला रेतकर हत्या कर दी। बता दें कि हत्या के बाद शव को ठिकाने लगाने के लिए अपने टेम्पो से चौराहा ले जाया जा रहा था, तभी पुलिस ने देख लिया और शव को टेम्पो से छोड़कर आरोपी फरार हो गया। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भेज दिया है। हालांकि पुलिस टेम्पो चालक को गिरफ्तार करने के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। क्या कारण था, क्या की गई? क्या जी? उसका भाई लगता है। क्या हुआ है? यही हुआ, यहाँ पर आया फोन किया 10:30 बजे की आपका मैं नहीं है, उसके बाद आया तो देखें क्या हुआ, देखें अभी तो लास्ट नहीं देखें, देखें कि मार दिया है। किस कारण से मारपीट किया गया वो तो अभी नहीं पता है। हाजीपुर में नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जागरूकता यात्रा निकाली। भाजपा द्वारा CAA और NRC के समर्थन में जागरूकता अभियान की समाप्ति के दौरान सभा को संबोधित करते हुए भाजपा नेता ने कहा कि CAA कानून देश की आतंकी सुरक्षा को ध्यान में रखकर लाया गया है। दो तरह का कार्यक्रम था, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन भी हम लोग मनाए थे। हम सभी कार्यकर्ता उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित किए और उनको याद करते हुए उनके बारे में अपनी अपनी बातें रखे। इसके बाद अभी जो ज्वलंत मुद्दा है, जो हमारे देश के लिए अभी ज्वलंत मुद्दा है, ये जो विधेयक है, एक जो पास हो चुका है, अधिनियम बन चुका है, नागरिक संशोधन अधिनियम और NRC के बारे में भ्रम फैलाया जा रहा है विपक्षी पार्टियों द्वारा। यह जो है बिल किसी को भगाने के लिए नहीं है। हाजीपुर में अनियंत्रित ट्रक ने दो बाइक सवार को कुचल दिया। वही अनियंत्रित बस ने बाइक में ठोकर मार दी, जिससे दोनों बाइक सवारों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। जहां घटना से आक्रोशित लोगों ने हाजीपुर मुजफ्फरपुर 4 लेन सड़क को जाम कर 3 बसों को आग के हवाले कर दिया। गोपालगंज में NRC और कैब के खिलाफ विभिन्न संगठनों के द्वारा आभार यात्रा निकाली गई, जहां सैकड़ों की संख्या में युवकों ने हाथों में तिरंगा लिए हुए नरेंद्र मोदी और अमित शाह के हित में नारेबाजी करते हुए दिखाई दिए। गोपालगंज के भोरे रेफरल अस्पताल में मरीजों को आए दिन परेशानी उठानी पड़ रही है। बता दें कि मरीज डॉक्टर का इंतजार करते रहते हैं, पर डॉक्टर और अस्पताल प्रबंधक नदारद पाए गए। जो लिखा गया टोटल दवा मिला है ना। क्या बोले हैं? तो ये को बताने लगे कि बाहर से दवाई ले लेगा, खाली हो बगल वाली लिख ले बोले तो पूरा दवा। हम 10 बजे हम हॉस्पिटल में आए, चारों ओर खोजने पर कोई न डॉक्टर मिला न कोई कंपाउंडर मिला है। फोन करने पर एक आदमी 10:30 बजे आया है, दवा का पर्ची दिखलाया, उससे कहा कि पहले डॉक्टर साहब के पास जाइए। तो डॉक्टर साहब के को खोजने लगा आदमी, कुछ देर के बाद डॉक्टर साहब को बुलावा हुआ तो बोला डॉक्टर साहब आए, उसके बाद ही तब हमको दवा मिला। दरभंगा में NRC और CAA के समर्थन में RSS और भाजपा के कार्यकर्ताओं ने धन्यवाद यात्रा जुलूस निकाली, साथ ही सरकार से पूरे भारत में NRC लागू करने की मांग की। वहीं विधायक संजय सरागी ने कहा कि यह कानून नागरिकता देने वाला कानून है, नागरिकता लेने वाला नहीं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और गृह मंत्री जी ने नागरिकता संशोधन कानून इस देश में लागू किया है। इस देश में रहने वाले 130 करोड़ लोग बहुत पसंद हैं, उसके लिए हम लोग धन्यवाद यात्रा और उन
लोगों के प्रति आभार यात्रा निकालो। कुछ असामाजिक तत्व, कुछ विपक्षी लोग जो मुसलमानों को भड़काकर जो इस कानून का विरोध करवा रहे हैं, यह कानून नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता लेने का कानून नहीं है। भागलपुर में पुलिस ने विदेशी शराब से भरा ट्रैक्टर बरामद किया। वहीं गोपनीय जानकारी के आधार पर थाना प्रभारी के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए 48 पेटी विदेशी शराब बरामद किए गए। बेगूसराय में युवा जदयू के जिला अध्यक्ष पर शराब माफिया के साथ रिश्ता रखने का गंभीर आरोप लगाए गए थे, जिसका खंडन करते हुए युवा जदयू के जिला अध्यक्ष ने पत्रकारों को बताया कि युवा जदयू पर लगाए गए सारे आरोप बेबुनियाद हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि उनके कार्यकर्ताओं को धोखे से बुलाकर उन पर मनमाने तरीके से दबाव बनाए गए और उनके इस्तीफे की झूठी खबर फैलाई गई। बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। बीजेपी का अध्यक्ष बनते रहूं, मैं स्वतंत्र रूप से नहीं भा रहा है, क्योंकि मैं बढ़ते हैं झारखंड के खबरों की ओर। बोकारो के चंदन कियारी विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी ने आरसू प्रत्याशी को 9221 वोटों से हराकर जीत हासिल की। वहीं सरायकेला से जेएमएम प्रत्याशी चंपई सोरेन ने प्रत्याशी गणेश महली को 24891 मतों से हराया। जीत अखंड जो हमारा जो जो यहाँ पे जो भी प्रपंच रचा गया था चंदन कियारी में, उसको जनता ने दरकिनार किया है। पाखंड का अंत हुआ है, अहंकार का अंत हुआ है और वापस चंदन कियारी में जिता करके चंदन कियारी ने विकास के साथ अपना साथ देने का वचन निभाया है। निश्चित रूप से चंदन कियारी की जीत आने वाले 5 साल में चंदन कियारी के विकास की गति को और तीव्र लेकर के जाएगी और चंदन कियारी को अपना नया। विधानसभा चुनाव में पाकुड़ विधानसभा से महागठबंधन के उम्मीदवार आलमगीर आलम ने जीत दर्ज की है। बता दें कि आलमगीर आलम ने 12,07,868 मत से भाजपा के बेनी प्रसाद गुप्ता को हराया है। वहीं जेएमएम के युवा नेता दिनेश विलियम्स मरांडी ने भाजपा के दानियल किस्कू को 1,38,098 मत से और जेएमएम के प्रोफेसर स्टीफन मरांडी ने भाजपा के मिस्त्री सोरेन को 34,068 वोटों से हराया। आपके माध्यम से सबसे पहले हम यहाँ की जनता को हार्दिक बधाई देते हैं और उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन लोगों ने हमें अपना समझाकर वोट दिया है और अच्छा मार्जिन में हम जीते हैं। सारी क्रेडिट हमारी जनता का जाता है। उसके साथ साथ गठबंधन के कांग्रेस के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और हमारे गठबंधन में झारखंड मुक्ति मोर्चा के भी कार्यकर्ता पदाधिकारी आरजेडी का जो लोग थे सबको हम। फिलहाल ब्रिटेन में बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 1 11। नमस्कार।